नमस्कार, स्वागत है आपका। सबसे बड़ी खबर इस वक्त पे यही है कि कोरोना को लेकर जो अपडेट इस वक्त पर आ रहा है वो ये कि मृत्यु दर के लिहाज से भारत, जो अगर आप सबसे प्रभावित 20 देशों की सूची देखें उनमें सबसे नीचे नाम भारत का है। यानी लगातार कोरोना के मामले सामने तो आ रहे हैं लेकिन इनसे जो मृत्यु दर में होती बढ़ोतरी है अब उसमें भारत में लगातार हम क्या देख रहे हैं कि जो डेथ रेट है वो लगातार डिक्लाइन कर रहा है। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि मामले तो इस वक्त पे एक्टिव है, इस वक्त पे जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो भारत में 66 लाख से ज्यादा कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या जा चुकी है, जिसमें से रिकवरी जिन लोगों की हुई है और आज के दिन की भी अगर स्पेसिफिक बात करें तो वो 66,000 के ऊपर है। और इसके साथ साथ 900 से ज्यादा लोगों की मौत के मामले भी है। यह जब मैं बात कर रहा हूं तो सिर्फ एक दिन की बात कर रहा हूं, लेकिन इसमें अगर आप बाकी और देशों को देखें जहां पर कोरोना ने हिट किया था, खासतौर पर ब्रिटेन जैसा इलाका, या आप साउथ अमेरिका के कुछ देशों को देखें, या आप अमेरिका को देखें, तो वो वर्स्ट इफेक्टेड कंट्रीज हैं एज फार एज कोरोना की जहां तक हम बात कर रहे हैं उनसे। लेकिन इन सारी चीजों में जो दो अहम बातें सामने निकल कर आई हैं वो ये कि एक, जिसको लेकर के पूरी दुनिया इस वक्त पे चिंतित है कि इसकी जो सेकेंड वेव हिट करेगी उस क्या ये वही जो कुछ देशों में हम देख रहे हैं कि मौत का आंकड़ा अचानक से बढ़ गया है, अचानक से जो, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं डेथ रेट की तो मैं आपको कुछ आंकड़ों से आपको रूबरू करा दूं और ये जो आंकड़े हैं ये बताते हैं कि कैसे जो डेथ रेट है वो मेक्सिको में 10.4 पहुंच गया है। एक वक्त पे इस पे डिक्लाइन देखने को मिला था लेकिन फिर से 10.4 पहुंच जाना, और मेक्सिको क्योंकि साउथ अमेरिकन कंट्री है और इसके साथ साथ जो वहां पर कई इलाके जिसमें ब्राजील का भी नाम है, क्योंकि एक वक्त पे ब्राजील भारत से आगे था लेकिन अब भारत आगे निकल रहा है, तो ब्राजील क्योंकि, और जो ये आगे निकलने की संख्या है ये सिर्फ जो कोरोना केसेस है उन पर है। डेथ रेट को लेकर जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि भारत जो 20, अगर आप दुनिया के वर्स्ट इफेक्टेड देश देखें जो 20 देश हैं कोरोना वायरस से, उसमें भारत का नाम सबसे नीचे है जहां तक कि आप डेथ रेट को लेकर के बात कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जो रिकवरी रेट है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होगा, अगर रिकवरी रेट किसी देश का बेहतर होता है तो डेथ रेट अपने आप लो हो जाएगा। यानी यहां पर अगर भारत का डेथ रेट सबसे ज्यादा लो है तो इसका एक मतलब ये भी है कि आपके देश की जो रिकवरी रेट है, जो रिकवरी रेट को लेकर जिस फीसदी की बात हो रही है वो बेहतर होगा अपने आप में। इसके साथ साथ जो एक आंकड़ा मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो ये कि ब्रिटेन में जो डेथ रेट है वो 8.8% है। यानी आप कई, चाहे यूरोपियन कंट्रीज देखिए, चाहे साउथ अमेरिकन कंट्रीज देखिए, या फिर पूरा का पूरा अमेरिका देखिए, वहां पर जो डेथ रेट है उसमें अभी भी डिक्लाइन देखने को नहीं मिल रहा है, बल्कि वो बढ़ रहा है। और अगर आप यूरोपियन कंट्रीज में कई रिसर्च पेपर्स कई रिपोर्ट की बात माने तो वहां पर ये भी कहा जा रहा है कि इसकी एक सेकेंड वेव हिट करनी है। अब अच्छी बात भारत के लिहाज से ये है कि रिकवरी रेट बढ़ रहा है, डेथ रेट कम है, लेकिन जो सबसे बड़ी चिंता है वो यही है कि जिस तरह से बाकी यूरोपियन कंट्रीज में अगर सेकेंड वेव हिट कर रही है तो क्या वो इंडिया पर भी इम्पैक्ट करेगी। और जो हम देख रहे हैं कि मामले तो हैं लेकिन अब घट रहे हैं मामले और रिकवरी रेट बेहतर हो रहा है, क्या उस पर भी इसका असर पड़ेगा, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चिंता है इस वक्त पे, जिससे पूरी दुनिया जूझ रही है। और सेकेंड वेव अगर हिट करती है तो उसका कितना असर भारत पर पड़ेगा, ये अपने आप में इस वक्त का बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि फॉरेन मीडिया में, फॉरेन रिपोर्ट्स में, बहुत सारे रिसर्च पेपर्स में इस बात का लगातार जिक्र हो रहा है कि ऐसा होना संभव है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अच्छी खबर यह है कि भारत का जो डेथ रेट है वो सबसे कम है और रिकवरी रेट जो है वो लगातार ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके साथ साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बहुत बहुत शुक्रिया।